प्यारे बच्चों, आज मुखय स्मारक इंटर कॉलेज गोकुलपुरा रानीपुर से आप लोगों को जो है प्रधानाचार्य द्वारा जो है अंकगणित यानी गणित का जो है विविध प्रश्नावली को जो है हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि विविध प्रश्नावली जब आप क्लास में आएंगे सामने रहेंगे तो पढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो है हम यहाँ से ही शुरू कर दे रहे हैं इकाई फर्स्ट संख्या प्रणाली। इकाई फर्स्ट संख्या प्रणाली, इसी के बारे में बता रहे हैं, इसी चैप्टर के बारे में। इकाई जो फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले आपको हमें बताना है प्राकृतिक संख्या। पहला जो पॉइंट इसमें आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यानी हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या है क्या। इसकी परिभाषा देखिए, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा या गणना की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको जो है हम गणना जो है पहले एक से ही करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो अनंत होती है। तो याद रहे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जब आपसे पूछा जाएगा तो आप एक बताएंगे, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते हैं, वह अनंत होती है। और प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं। तो कैपिटल एन बराबर जो है मझले कोष्ठक में 1 2 3 4 ऐसे लिखकर डॉट 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 और मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। यानी ये प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो है ढंग है। अब दूसरी जो परिभाषा आपकी आ रही है वह है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी इंटीगर्स अंग्रेजी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याएं शून्य को मिला लेने से, गिनती की सभी संख्याएं शून्य को
मिला लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसकी दूसरी भी परिभाषा हो जाएगी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को हम मिला देते हैं तो मिलाने से जो इनका समूह बनता है उन्हीं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या का मतलब, जैसे प्राकृतिक संख्या आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसके आगे अगर हम शून्य लिख देते हैं तो ये जो है पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी ये पूर्ण संख्या का रूप हो गया। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को हम सम्मिलित कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी यही पूर्ण संख्या की परिभाषा है। और पूर्ण संख्या को जो है हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, यानी W बराबर मझला कोष्ठक में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट और मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। तो ये जो है पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने का ये जो है तरीका है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपका आता है पूर्णांक, यानी ये पूर्णांक क्या है, इंटीगर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समूह ही पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक का मतलब कि इसमें जो है प्राकृतिक संख्याएं जितनी होंगी सारी होंगी, फिर शून्य होगा और ऋणात्मक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यानी ये तीनों को जो है इसमें अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो ये जो है पूर्णांक हो जाता है। जैसे डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इस तरह से हम पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक का मतलब हो गया कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और उनके साथ जो है शून्य भी उसमें सम्मिलित होता है, यानी उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल जेड का प्रयोग करते हैं, यानी कैपिटल जेड बराबर हो जाएगा डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इस तरह से जो है हम पूर्णांक को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब पूर्णांक के बाद आता है चौथा पॉइंट, यानी भिन्न क्या होती है, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी भिन्न। भिन्न क्या है, भिन्न की क्या परिभाषा होती है, भिन्न क्या है, तो संख्याएं जो ए बटे बी के रूप में होती हैं, जहां ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हों,
प्राकृतिक संख्याएं हों उन्हें भिन्न कहते हैं। यानी भिन्न का मतलब हो गया जो ए बटे बी के रूप में हो, यानी अंश और हर के रूप में हो। यानी लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर अंश बटे हर। यानी अंश बटे अगर हर लिख दे और अंश और हर दोनों प्राकृतिक संख्या होगी तो ये भिन्न हो जाएगी। तो ये भिन्न की परिभाषा है, भिन्न बराबर अंश बटे जो हर होगा, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये भिन्न की आपको परिभाषा बता दी है। अब इसके बाद आता है भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार यानी भिन्न कितने प्रकार की होती है, यानी भिन्न का प्रकार बताएंगे, भिन्न कितने प्रकार की होती है। इसमें पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी आप समझिए उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न में, उचित भिन्न में अंश, अंश उसके हर से कम होता है, उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। मानी इसका मतलब ये हो गया कि हर अधिक होगा और अंश जिसका कम होगा उसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे दो बटे तीन है, तीन बटे आठ है। यानी ये जो है आप देख रहे हैं कि इसमें अंश दो है और हर जो है तीन है, तो हर जो है बड़ा है और अंश जो है छोटा है। इसका मतलब कि दो बटे तीन यानी उचित भिन्न है। इसी प्रकार तीन बटे आठ भी उचित भिन्न है। दूसरी भिन्न है विषम भिन्न। विषम भिन्न, अब इसको समझिए कि विषम भिन्न क्या है। इसी का जो है उल्टा होगा। यानी विषम भिन्न वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर बड़ा तथा अंश छोटा होता है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। यानी इसमें अंश बड़ा हो जाएगा। जैसे पांच बटे तीन, आठ बटे पांच, इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण है। अब इसके बाद तीसरी जो भिन्न है आपकी मिश्रित भिन्न आती है। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, अब ये मिश्रित भिन्न क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट है इसमें कुछ मिला होगा। यानी मिश्रित का मतलब हो गया कि जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों मिले होते हैं। माने एक संख्या, परिभाषा इसकी देखिए, एक संख्या पूर्णांक
तथा दूसरी संख्या भिन्न समाहित होती है उससे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे चार सही एक बटे दो एग्जाम्पल है, चार सही एक बटे दो जिसमें देख रहे हैं कि चार जो है पूर्णांक है और एक बटे दो जो है भिन्न है। दूसरा है पांच सही तीन बटे आठ, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें पांच जो है पूर्णांक है और तीन बटे आठ भिन्न है। तो जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों मिले होते हैं तो उनको ही हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसके बाद चौथा जो आता है वह है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न ये क्या होती है, इसको देखिए। दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि वह भिन्न जिसके हर में दस, सौ, एक हजार, दस हजार, माने उसके हर में दस, सौ, एक हजार, दस हजार आदि हों तो उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे चार बटे दस, दो बटे सौ, माने इस प्रकार ही रहेंगे, माने हर में हमेशा दस, सौ, एक हजार, दस हजार आएगा, तो ये दशमलव भिन्न हो जाती है। और इसके बाद है पांचवा परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा बता रहे हैं कि जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हों और पी और क्यू पूर्णांक हो लेकिन क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, अर्थात क्यू का मान जीरो न हो, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो है कुछ जो संख्याएं थी जिनको हमने परिभाषित किया, बताया गया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो परिमेय संख्याएं हैं ए बटे बी के रूप में तो होती हैं, लेकिन ये संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। यानी परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। जैसे दो बटे माइनस तीन, माइनस चार बटे सात इत्यादि।
इसके बाद हम बता दे रहे हैं, ये नोट थोड़ा देखिए, नोट में पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है, परिमेय होती हैं। बी, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती हैं। सी, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है। और डी है, प्रत्येक भिन्न परिमेय होती है, प्रत्येक भिन्न परिमेय होती है। इस प्रकार जो है इसे आप याद रखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय होती है, प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय होता है और प्रत्येक भिन्न भी परिमेय होती है। तो आज के लिए इतना ही है और फिर अगले दिन आपको इसके आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।